और उत्तराखंड के स्थापना दिवस को लेकर एक बड़े जलसे का आयोजन किया गया। टिहरी झील के पास रैबार 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत समेत कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड से नाता रखने वाली हस्तियों ने पहाड़ से हो रहे पलायन को लेकर आवा अपूर्ण घरों की थीम पर मंथन किया। बता दें कि इस बार उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस सप्ताह भर मनाएगा, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर से हो चुकी है। हमने भी ये कोशिश की है कि जहाँ तक भारतीय सेना है, यहाँ के नौजवानों को सेना में कार्यरत होके कार्रवाई करने का सदा मौका मिलता रहे। जैसे आप जानते हैं, उत्तराखंड से 2 रेजिमेंट हैं, गढ़वाल रेजिमेंट और मऊ रेजिमेंट, जिसमें इस इलाके के नौजवान तैनात है। इसके अलावा अन्य रेजिमेंट भी है हमारे पास, चाहे वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, वहाँ भी उत्तराखंड के नौजवान तैनात है। तो यहाँ से लगातार नौजवान भारतीय सेना में आते जा रहे हैं, बड़ी बहखूबी से अपने कार्य को और उसी संदर्भ में अपने कार्यों पर अपने कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी उत्तराखंड के नौजवान सदा इसी तरीके से अपना मनोबल बढ़ाए रखेंगे। मैं पवित्र भागीरथी और भिलंगना नदी के को जोड़ करके टिहरी डैम बना करके जो झील बनाई गई है, यहाँ से हाइड्रो पावर जो हो रही है, हाइड्रो पावर में 25% शेयर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का भी है। मैं खास तौर पर उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी आया हूँ कि प्रयागराज कुंभ में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिहरी डैम में पर्याप्त जलराशि एकत्र करके कुंभ के दौरान यानी 15 दिसंबर 18 से और अप्रैल 19 तक निरंतर हमें पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति की। विकास को लेकर के और हमारे जितने डिग्निटीज, चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में होंगे, सेना में होंगे, अर्धसेना में होंगे या एयरफोर्स नेवी, उन सबको हमने आमंत्रित किया कि आप आइए और अपने अनुभवों का लाभ अपने गृह राज्य को भी लीजिए। और आह्वान किया, आवा अपना घर, अपने घर आइए। और ये दूसरा रविवार है, ये हमारा 2018 में हुआ था पहली बार, फिर 2019 में हुआ है। और जो पिछले वर्ष हमने किया था उसके बहुत अच्छे परिणाम हमको मिले हैं।